इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 29 जनवरी के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 1979 में भारत की पहली जंबो ट्रेन तमिलनाडु एक्सप्रेस को नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर मद्रास के लिए रवाना किया गया था। देश दुनिया के इतिहास में 29 जनवरी की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1528 में भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को पराजित कर चंदेरी के किले पर कब्जा किया था। 1780 में आज ही के दिन जेम्स अगस्टस ने भारत का पहला अखबार हिकीज बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया था। आज ही के दिन 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस पर जर्मनी ने पहली बार हमला किया था। 1939 में आज ही के दिन रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल की स्थापना की गई थी। भारत के मशहूर लेखक अशोक गुप्ता का जन्म आज ही के दिन 1947 में हुआ था। ओलंपिक 2004 में शूटिंग में रजत पदक जीतने वाले कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म आज ही के दिन 1970 में हुआ था। आज ही के दिन 1978 में वायुमंडल की ओजोन परत पर होने वाले दुष्प्रभाव के कारण एरोसोल स्प्रे को प्रतिबंधित करने वाला स्वीडन पहला देश बना था। 1979 में आज ही के दिन भारत की पहली और दो इंजन वाली जंबो ट्रेन तमिलनाडु एक्सप्रेस को नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर मद्रास रवाना किया गया था। आज ही के दिन 1989 में सीरिया और ईरान ने लेबनान में संघर्ष रोकने के लिए समझौता किया था। 1993 में आज ही के दिन क्रिकेटर विनोद कांबली ने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। आज ही के दिन 1994 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 को रद्द किया था। 1996 में आज ही के दिन फ्रांस के राष्ट्रपति जाक सिराक ने भविष्य में देश में परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने की घोषणा की थी। आज ही के दिन 2002 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में इराक, उत्तरी कोरिया और ईरान को दुनिया में दुष्टता की धुरी करार दिया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा में देश की दूसरी महिला अधिकारी तथा मध्य प्रदेश की पूर्व राज्यपाल सरला ग्रेवाल का निधन आज ही के दिन 2002 में हुआ था। आज ही के दिन 2005 में सेरेना विलियम्स ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन का महिला खिताब जीता था। 2006 में आज ही के दिन भारतीय खिलाड़ी इरफान पठान टेस्ट क्रिकेट में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने थे। आज ही के दिन 2007 में भारतीय फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने लंदन के चैनल 4 का मशहूर रियलिटी शो बिग ब्रदर जीता था। 2008 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया ने इराक से अपनी फौज वापस बुलाने की घोषणा की थी। मलयालम फिल्म अभिनेता भारत गोपी का निधन आज ही के दिन 2008 में हुआ था। आज ही के दिन 2010 में भारत और रूस की संयुक्त परियोजना के तहत बनाए जा रहे 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमान ने रूस के सुदूर पूर्वी हिस्से में पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान भरी थी। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।